शिवसा युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा डॉक्टर्स आणि आय आय टी एस घडवणारी एकमेव संस्था. 160 विद्यार्थ्यांमधून 10 MBBS, 30 BAMS, 23 विद्यार्थ्यांमधून 1 IIT, 1 NIT, 1 IIIT. तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. EPS पेन्शनरकडे मोदी सरकार लक्ष देणार तरी कधी? संपूर्ण देशभर EPS पेन्शनधारक आपल्या महत्त्वाच्या मागणीसाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून साखळी उपोषण करत आहेत. मात्र अजूनही मागण्या मान्य झाल्या नसल्याने पेन्शनधारकांच्या राष्ट्रीय संघर्ष समितीकडून 4 केंद्रशासित प्रदेश आणि 27 राज्यात हे आंदोलन सुरू झालं आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात या आंदोलनाला आज 891 दिवस आहे. यामध्ये वादळ, वारा, पाऊस, उन्हाळा या सर्व परिस्थितीमध्ये ज्येष्ठ नागरिक आपल्या न्याय हक्कासाठी आणि मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत, ज्यामध्ये महिन्याकाठी देशभरात 5,000 पेन्शनरचा मृत्यू होत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे 7,500 प्रतिमहिना महागाई भत्ता देण्यात यावा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार हायर पेन्शन, वैद्यकीय सुविधा आणि या योजनेमध्ये ज्यांचा समावेश नाही अशा लोकांचा समावेश करावा. या 4 मागण्यांसाठी रामलीला, जंतर मंतर या मैदानासह प्रधानमंत्री कार्यालयासमोर देशभरात हजारो वेळा आंदोलनं केलीत. त्यामुळे 4 मार्च 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदार हेमा मालिनी यांच्या उपस्थितीमध्ये राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कोर कमिटीसोबत चर्चा करून त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अजूनही न्याय मिळाला नसल्याने या वृद्ध नागरिकांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे तात्काळ मागण्या मंजूर करून या मागण्यांना, या नागरिकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली जात आहे. बुलढाणा में जो NAC का हेडक्वार्टर है, नेशनल एजिटेशन कमिटी या राष्ट्रीय संघर्ष समिति का अनशन 891 दिन हुए, 891 डेज से यहाँ चल रहा है. और आज 1 जून में संपूर्ण भारत में, पूरे हिंदुस्तान में यह आंदोलन हो रहा है. हर गांव में, हर घर में जहां EPS का आदमी है, 27 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में ये आंदोलन चल रहा है. और ये सारे फोटो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और इस व्यवस्था को भेज रहे हैं. इतना बड़ा आंदोलन है, देशव्यापी आंदोलन है, क्योंकि हमने अपनी जो मांगे हैं 7,500 रुपये और उस पर महंगाई भत्ता, जो कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार हायर पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी, और जो लोग इस स्कीम में नहीं है उन लोगों को इस स्कीम में लाना. हजारों आंदोलन किए, रामलीला ग्राउंड, जंतर मंतर, PMO ऑफिस, यू नेम इट, हर जगह आंदोलन किए. और यहाँ तक कि 4 मार्च 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया हेमा मालिनी जी की अगुवाई में, और वहाँ चर्चा हुई. चर्चा के बाद उन्होंने ये आदेश दिया कि इनका काम तुरंत कर दीजिए, लेकिन उसके बाद आज तक काम नहीं हुआ और हमारी मांगे नहीं हो रही है पूरी. और इसीलिए हमारी सरकार से गुजारिश है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये लोगों की तरफ देखिए, कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, एक सामाजिक मूवमेंट है. इसको आप अगर अपने ज्येष्ठों को नहीं देखेंगे, अपने एल्डरली लोगों को, अपने घर के बुजुर्गों को अगर आपको ख्याल नहीं है, तो क्या देश प्रगति करेगा.